हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार दरोगा रिजल्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि बिहार दरोगा के पीटी एग्जाम का रिजल्ट आप सभी को किस डेट तक देखने को मिल जाएगा। साथ ही कट ऑफ के बारे में जानने वाले हैं कि इस बार बिहार दरोगा के पीटी का कट ऑफ पिछले बार के पीटी के कट ऑफ के मुकाबले अधिक क्यों जाने वाला है। इसके रिलेटेड भी आप सभी को सारी जानकारी मिलने वाली, इसलिए आप सभी वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस बार बिहार दरोगा के पीटी का कट ऑफ पिछले बार के पीटी के कट ऑफ से अधिक क्यों रहने वाला है। तो आप सभी जानते हैं कि इस बार कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। आप सभी पिछले भर्ती का देख सकते हैं कि पिछले भर्ती यानी कि बिहार एसआई का 2020 में जो भर्ती आया था, उस भर्ती में आप सभी देख सकते हैं कि टोटल पोस्ट की संख्या 2213 थे और टोटल रिजल्ट जो दिया गया था मेंस के लिए 47,900 कैंडिडेट का सिलेक्शन पिछले बार मेंस एग्जाम के लिए किया गया था। और कैंडिडेट की बात करें तो एग्जाम में टोटल 4,33,271 कैंडिडेट एपीएड हुए थे। अगर कंपटीशन की बात करें तो पिछले बार मेंस एग्जाम के लिए कंपटीशन 9 का था, यानी कि 9 में से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन मेंस एग्जाम के लिए हुआ था। इस बार यानी कि बिहार एसआई 2023 भर्ती का देख सकते हैं कि इस बार टोटल पोस्ट की संख्या 1275 है। वहीं टोटल रिजल्ट की बात करें तो मिनिमम 25,500 कैंडिडेट का सिलेक्शन मेंस एग्जाम के लिए होने वाला है। मिनिमम 25,500, मैक्सिमम आप सभी का 27,000 के आसपास कैंडिडेट का सिलेक्शन मेंस एग्जाम के लिए हो सकता है। वहीं टोटल कैंडिडेट की बात करें तो लगभग 5,60,000 कैंडिडेट पीटी एग्जाम में एपीएड हुए हैं। 5,60,000 के आसपास कैंडिडेट पीटी एग्जाम में एपीएड हुए हैं। वहीं टोटल फॉर्म की बात करें तो 6,60,000 फॉर्म भरे गए थे, लेकिन 85% के आसपास कैंडिडेट पीटी एग्जाम में एपीएड हुए हैं, यानी कि 5,60,000 के आसपास कैंडिडेट पीटी एग्जाम में एपीएड हुए हैं। कंपटीशन की बात करें तो इस बार मेंस एग्जाम के लिए 22 का कंपटीशन है, यानी कि इस बार 22 में से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन मेंस एग्जाम के लिए होने वाला, जबकि पिछले बार यानी कि 9 में से एक कैंडिडेट का सिलेक्शन मेंस एग्जाम के लिए हुआ था। तो आप सभी देख सकते हैं कि इस बार मेंस एग्जाम के लिए पिछले बार की तुलना में दुगुने से भी ज़्यादा कंपटीशन है। पिछले बार मेंस एग्जाम के लिए 9 का कंपटीशन था, जबकि इस बार मेंस एग्जाम के लिए 22 का कंपटीशन है। तो आप सभी खुद ब खुद समझ सकते हैं कि इस बार कंपटीशन ज़्यादा है। तो इस बार आप सभी को पिछले बार के मुकाबले कट ऑफ थोड़ा बहुत अधिक देखने को मिलेगा। अब रिजल्ट की बात करते हैं कि बिहार दरोगा पीटी एग्जाम का रिजल्ट आप सभी को किस डेट तक देखने को मिल जाएगा। तो इससे पहले यानी कि 1275 से पहले जो बिहार दरोगा की तीन भर्ती आई थी, उन तीनों भर्ती का देखते हैं कि उन तीनों भर्ती का एग्जाम कब लिया गया था और एग्जाम खत्म होने के कितने दिन बाद रिजल्ट जारी किया गया था। उसे देखने के बाद आप सभी को खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इस बार बिहार दरोगा पीटी एग्जाम का रिजल्ट किस डेट तक देखने को मिल जाएगा। तो आप सभी 2017 भर्ती का देख सकते हैं कि जिनका एग्जाम 11 मार्च और 15 अप्रैल 2018 को हुआ था और इनका रिजल्ट 5 मई 2018 को जारी किया गया था, यानी कि एग्जाम समाप्त होने के 20 दिन बाद 2017 में रिजल्ट जारी कर दिया गया था। वहीं बिहार एसआई 2019 भर्ती का देख सकते हैं कि जिनका एग्जाम 22 दिसंबर 2019 को हुआ था और इनका रिजल्ट 28 जनवरी 2020 को जारी किया गया था, यानी कि एग्जाम समाप्त होने के 37 दिन बाद रिजल्ट जारी कर दिया गया था। वहीं बिहार एसआई 2020 भर्ती का देख सकते हैं जिनका एग्जाम 26 दिसंबर 2021 को हुआ था और इनका रिजल्ट 2 फरवरी 2022 को जारी कर दिया गया था, यानी कि एग्जाम समाप्त होने के 38 दिन बाद पिछले बार रिजल्ट जारी कर दिया गया था। जब भी बिहार एसआई का एग्जाम एक दिन में यानी कि एक डेट में कंप्लीट कराया गया है, तो आप सभी देख सकते हैं कि इनका रिजल्ट एग्जाम समाप्त होने के 37 से 38 दिन बाद जारी कर दिया जाता है, यानी कि लगभग देखें तो लगभग डेढ़ मंथ के अंदर रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। तो आप सभी का एग्जाम 17 दिसंबर को हुआ है। अगर पिछले रिकॉर्ड के अनुसार देखें तो बिहार एसआई का रिजल्ट आप सभी को जनवरी के लास्ट वीक में देखने को मिल जाएगा। जनवरी के लास्ट वीक में आप सभी को बिहार एसआई का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। 99% चांस है कि जनवरी के लास्ट वीक में आप सभी को बिहार एसआई का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, यानी कि 25 जनवरी के आसपास आप सभी को बिहार दरोगा के पीटी एग्जाम का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। 25 जनवरी के आसपास आप सभी को बिहार दरोगा के पीटी एग्जाम का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। बिहार दरोगा एग्जाम के लेटेस्ट जैसे और लेटेस्ट अपडेट आएगी आप सभी को वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देंगे। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।